Manish and Manjari, both were swagat aapke is conversation. Thank you. Baa Baa Black Sheep reminds of child memories. और एक स्टोरी याद आती है जब माँ हमें बोलती थी मेरा बेटा तो बेटा पोएट्री बोल के बताओ हाँ. कौन सी पोएट्री आती है आपको तो आप यार याद है बिल्कुल Baa Baa Black Sheep याद है आई थिंक सबको याद है हाँ. तो आई थिंक जब फिल्म आई तो ऑब्वियसली हमें भी बचपन की यादें जो है वो याद आई बट आई थिंक फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बचपन में ले जाएगा ये एक अलग ही कहानी है एंड एक फैमिली एंटरटेनर है एंड होपिंग फॉर द बेस्ट अच्छी बनाई है मज़ा किया ऑफकोर्स लाइक जब मुझे विश्वास ने बोला था कि माई फिल्म आ रही है बाबा लाइक यू नो लाइक आई वॉन्ट टू कास्ट यू फॉर बाबा ब्लैक शीप मैं तो नाम सुन के आई वॉज सोल्ड आई वॉज लाइक वाह दिस इज साउंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफकोर्स वैन आई हर्ड द स्क्रिप्ट इट वॉज मोर सो लाइक यू नो सोने पे सुहागा आई वॉज लाइक वाओ इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स यू नो कॉमिक थ्रिलर सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट जब स्टार कास्ट की बात करें तो लाइक के अनुजी अनु और अनुपम खेर जी एक बंच ऑफ टैलेंट हाँ. एक साथ आता है जी. और फिर आप उनसे जुड़ते हैं जी. तो कितना प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ अब इनसे को भी कुछ सीखने मिलेगा और मज़ा भी आएगा बिल्कुल यार बिल्कुल सीखने को मिलेगा मैं तो आज भी वही कहता हूँ मैं वही दिल्ली का लड़का हूँ जो वो हीरो बनने आया था और आज भी वैसे ही सेट पे जाता हूँ बिल्कुल लाइक न्यू कमर और जब इतने बड़े एक्टर्स के सामने खड़े होकर काम करने का मौका मिलता है तो बड़ी खुशी होती है बहुत सीखने को मिलता है इनसे सो आई थिंक इस फिल्म में काम करने के मौके के साथ साथ बहुत सीखने का मौका मिला बिल्कुल इवन मुझे भी यहाँ पे बहुत सीखने को मिला एंड यू नो व्हेन यू वर्किंग विद गुड एक्टर्स जब अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हो तो यू नो आपकी खुद की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है बिकॉज यू नो लाइक It's acting is about give and take, right? It's about action is reaction. So it just improves your performance by itself. So. हम backdrop देखे तो एक line दी गई है हम काले हैं तो काले हैं पर दिल वाले हैं. ये gold line किसकी थी? ये actually ये line सर ने ही डाली है विश्वास पांडे सर ने. लेकिन actually ये बड़ी important है फिल्म के लिए. Because इस फिल्म में Baa Baa Black Sheep इसलिए because सारे black sheep हैं. सब में कुछ कुछ काला है, कुछ grey है. तो वो जब किरदार खुलने शुरू होते हैं फिल्म में तो मालूम पड़ता है किसने आगे फिल्म बढ़ी ऑल्सो अनुपम खेर प्लेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर हाँ दो किरदार निभा रहे हैं सर तो मज़ा आता था उनको देख के कि किस तरह वो एक किरदार में जाके फटाफट दूसरे में आ जाते थे तो बड़ा सीखने को मिलता था यार किस तरह आप कैरेक्टर को संभाल कर रखते हो अपने अंदर और कैसे लाइन में निकल के आता है कैरेक्टर सॉन्ग लॉन्च पे था मैं आर्ट रॉक कैफे में तो मतलब बहुत ही अच्छी महफिल जम गई थी स्टार का सामने जी जी अनु कपूर जी मतलब जब भी कुछ बोलते हैं तो उनके बोलने में भी एक डायलॉग होता है हाँ करेक्ट एक डायलॉग होता है हर चीज में आई थिंक वो एक एक किस्सा जो हमें उन्होंने सुनाया है फिल्म में इतना मज़ा आता था उनके साथ बैठ के बिकॉज एक तो उन्होंने इतनी इंडस्ट्री देखी है खुद का नॉलेज बहुत है तो आई थिंक वो जो किस्से सुनाते थे बड़े मज़ेदार थे इंटरेस्टिंग आई थिंक हर किस्सा एक एक अभी वीडियो अभी बस थोड़ी देर में वायरल होने ही वाला है हम लोग जब डिनर करते थे एक साथ हाँ. तो अनु कपूर सब गाने गाते थे अच्छा. तो उन्होंने गाना गाया वो किस अंदाज में गाया वो अभी हम बस थोड़ी देर में लीक करने वाले हैं वीडियो अनु सर सॉरी बट हम लीक करने वाले ये जो कॉम्बिनेशन है अनु कपूर का अनुपम खेर का जी बहुत इंटरेस्टिंग है जी जी लाइक जब वो दोनों साथ में होते हैं ना तो एक स्टेज गर्म हो जाता है वो तो आपने खुद ही देख लिया था उस दिन किस तरह यू नो टेक ओवर कर लेते हैं एंड खूब इन्जॉय करते हैं आई थिंक वही मज़ा है इनसे यही सीखने को मिलता है कि बहुत स्टारी स्टारी कभी नहीं रहना चाहिए यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट हु यू आर सो आई थिंक ये इन लोगों से हमने सीखा तो जब भी कोई नया डायरेक्टर आता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितना हेल्पफुल होता है काम करने में और कितना मज़ा आता है जब कोई नया डायरेक्टर आपको सिखाने के लिए आपको डायरेक्शन के लिए कास्ट करता है यार आई थिंक हमें तो बहुत हेल्प लगी आई थिंक विश्वास पांड्या सर की ये बहुत बड़ी बात थी वॉज़ वेरी क्लियर कि वो क्या चाहते हैं तो आई थिंक वो बहुत अच्छा था आई थिंक कैरेक्टर वाइज हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आई थिंक मंजरी भी इस बात पे अग्री हाँ, करेगी आई थिंक कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई और ऑल्सो विश्वास इज अ वेरी गुड एक्टर हिमसेल्फ सो दैट ऑल्सो हेल्प्स फॉर एन एक्टर व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर हु इज ऑल्सो गुड एक्टर एंड विश्वास इज ऑलवेज वेरी क्लियर अबाउट उनको क्या चाहिए कैसे चाहिए even though it's his first film but still you know like the clarity honi chahiye director mein he had it beautifully so that really helped yep so manish aapne host kiya hai anchor bane hain ab bollywood pictures mein bhi aane lage to where you find yourself gaata bhi hai gaate bhi hai singer bhi hai यार मैं सब करता हूँ यार मैं जो एंजॉय करता हूँ मैं करने लग जाता हूँ तो मेरा कोई हार्ड पास रूल नहीं है कि मैं सिर्फ फिल्में करूँगा या मैं टेलीविज़न पे होस्टिंग करूँगा या मैं गाना गाऊँगा मेरा एक ही फंडा क्लियर है कि मैं एंटरटेन करूँगा चाहे कोई भी मीडियम मिल जाए तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ता तो मैंने ड्रीम रोल
हाँ यार, एक एक रोल है जो मुझे बड़ा ही पसंद है, मुझे बच्चन साहब की दीवार फिल्म बहुत पसंद है. तो उसमें जो उन्होंने वो रोल किया था ना, तो वो मुझे बड़ा पसंद है यार. और एक अग्निपथ, उसका तो रीमेक बन चुका है, तो पता नहीं अगर रीमेक का भी रीमेक बनता हो तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा. There's one character, I don't want to talk about it right now, but there's a character I am personally working on. I really don't want to say it. But from the films that have been made, I really loved Queen. Mujhe Queen ka jo script tha and jo characterization tha, mujhe bahut pasand aaya tha. बॉलीवुड में एक बहुत ही बड़ा मतलब, पहले हम पहले ज़माने में पिक्चर आती थी तो इतने क्लैश नहीं हुआ करते थे और बहुत अंडरस्टैंडिंग रहा करती थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स में. और आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है क्लैशिंग का. हर एक पिक्चर क्लैश हो रही है, डेट्स नहीं मिलती हैं रिलीज़ करने के लिए. आपकी पिक्चर भी आ रही है इंडिया के साथ जी. तो किस तरह से आप देखते हैं ये क्लैशिंग को सब? आई थिंक यार सब हेल्दी कॉम्पिटिशन है. आई थिंक कोई किसी को, इंडस्ट्री जो है एक परिवार की तरह है. आई थिंक हम यहाँ पे एक दूसरे को नीचे दिखाने नहीं आए. अब हाँ, इतनी सारी फिल्में बनती हैं तो क्लैश तो होंगे ही, तो आई थिंक, बट अच्छी बात है. देखो आप अक्षय कुमार साहब ने किस तरह जगह दे दी पद्मावत आई, तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग भी है इंडस्ट्री में. तो आई थिंक अगर हमारे साथ भी कोई आए, क्लैश हो, अगर हमें भी कोई कहे, तो हम बिल्कुल जगह देने को राजी हैं. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. सो आई डोंट थिंक कि ये कहीं भी किसी को नीचे दिखाने वाली बात है. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. एंड इफ इट्स अ गुड फिल्म इट विल वर्क. या एब्सोल्युटली. सो डू यू थिंक इंडियंस जो स्क्रीन है बहुत कम है, ये भी एक बहुत रीजन है बहुत बड़ा? नहीं, मेरे ख्याल स्क्रीन्स कम नहीं है, इंडिया में टैलेंट बहुत है. तो आई थिंक उतना टैलेंट जो है, आप देखें अगर 52 वीक्स हैं तो उसके हिसाब से ही फिल्में बन रही हैं, लेकिन फिल्में ज़्यादा हैं. तो आई थिंक क्लैशेस तो लाजमी है, बट आई थिंक कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है. ऑडियंस बड़ी स्मार्ट है, उन्होंने जो देखना है वो वही देखने जाएंगे. यार यही कहना चाहेंगे, बाबा ब्लैक शीप 23 मार्च को आ रही है. हमने बड़े दिल से फिल्म बनाई है, डेफिनेटली जाके देखें. अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मंजरी को पसंद करते हैं, बाकी जो दिग्गज हैं इनको तो पसंद करते ही करते हैं. सो आई थिंक जाएं, फैमिली एंटरटेनर. 23 मार्च को प्लीज पूरी फैमिली के साथ सब जाइए. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच.